हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक की क्लास के बारे में चर्चा। आज हम जो पहला पेपर है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जो लगभग पूछी ही जाती है एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फलन एफ अपने प्रांत के बिंदु एक्स बराबर ए पर कोसी की परिभाषा से सतत हो तो वह हेनी की परिभाषा से भी सतत होता है, तथा अब उल्टा करेंगे भी इसका कि हेनी की परिभाषा से सतत हो तो वह कोसी की परिभाषा भी से भी सतत होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए दोस्तों, इस थ्योरम में हमें पहले तो कोसी की परिभाषा से इसे हेनी की परिभाषा में बदलना होगा, फिर हेनी की परिभाषा से कोसी की परिभाषा के रूप में सत्ता इसकी जो अस्तित्व है वो हमें वो दिखाना होगा भी, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं कि फलन माना फलन वाई बराबर एफ एक्स, माना फलन वाई बराबर एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर कोसी की परिभाषा से कोसी के अनुसार या कोसी की परिभाषा से के अनुसार सतत है। हमने एक कोई फलन मान लिया y बराबर एफ एक्स है, जो कि क्या अभी x बराबर बिंदु x बराबर एक पर कोसी के अनुसार सतत है। अगर वो सतत होता है तो हमें पता है कि अगर कोसी के अनुसार कोई फलन जो है सतत होता है तो उसमें क्या अभी एप्सिलॉन दो ऐसे धनात्मक ऐसे वास्तविक धनात्मक अस्तित्व होते हैं जिन जैसे कि एप्सिलॉन और डेल जो है ऐसी दो धनात्मक संख्याओं का अस्तित्व होता है जिसके लिए लिख देते हैं भी सतत हो तो दो हो तो दो वास्तविक धनात्मक संख्याओं का अस्तित्व संख्याएं जो है वो एप्सिलॉन और डेल है भी एप्सिलॉन व डेल का अस्तित्व इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है भी देखिए, हमें पता है अगर एप्सिलॉन और डेल जो है उनका अस्तित्व हो तो उन्हें हम एफ एक्स माइनस एफ ए जो कि छोटा है किससे भी एप्सिलॉन से, तथा एक्स जीर ये जो है एक्स माइनस ए इसका मान जो क्या होता है किससे डेल से छोटा होता है, ये कोसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार जो अस्तित्व होता है भी एप्सिलॉन और डेल का, ठीक है। तो जब हम इसे हेनी के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे तो देखिए कि हमें पता है कि हेनी की परिभाषा में हम क्या होता है अनुक्रम होता है, तो हेनी की परिभाषा में अनुक्रम होता है तो x के बराबर हम x को चेंज कर देते हैं ए एन से, तो x बराबर ए एन रखने पर x की जगह हमने क्या रख दिया भाई ए एन रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, x की जगह ए एन रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हो गया f, x की जगह हमने रख दिया ए एन, x की जगह हमने रख दिया भाई ए एन रख दिया तो माइनस f, a की जगह a ही है और ये हो गया एप्सिलॉन, तथा x की जगह रख दिया हमने ए एन माइनस a और ये हो गया डेल। अब आप जानते हो कि सीमा अगर इस प्रकार ये हमारे पास हमें प्रतिबंध इस प्रकार जो प्राप्त होते हैं तो हम जानते हैं कि सीमा की परिभाषा से क्या होता है भी, सीमा की परिभाषा से लिखेंगे सीमा की परिभाषा से क्या होता है भी लिमिट x extends to infinite और जो f a n था उसे लिख देते हैं हम अनुक्रम के अंदर लिखेंगे उसको कि f a n ये अनुक्रम बराबर यहाँ पर f a,
ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने इसको लिखा है, ये जो हमारी हमारा जो प्रतिबंध है इसे हम लिख रहे हैं कि एफ ए एन माइनस एफ ए डेल से एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसी को लिखा है हमने लिमिट के रूप में चेंज करके, एफ ए एन का अनुक्रम करके रख दिया यहाँ पर, और माइनस में जो था एफ ए बराबर में यहाँ पर क्या आ गया भाई, एफ ए आया जब लिमिट में हमने इसको लिया है। तो इसी प्रकार ये जो ए एन माइनस ए छोटा है डेल से, इसी को हम इसी प्रकार लिखेंगे कि लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ए एन है तो हम यहाँ पर ए एन अनुक्रम के अंदर लिखेंगे और बराबर लिख देंगे भी ए। ये हेनी के अकॉर्डिंग हमारा प्रूफ हो चुका है भी, ठीक है दोस्तों। इसे लिखेंगे कि अतः अनुक्रम, ये अनुक्रम है तो ये जो एफ ए एन है वो एफ ए को अभिसरित हो रहा है और ए एन जो है वो ए को अभिसरित हो रहा है, तो इसे लिख देते हैं हम कि अनुक्रम ए एन ए को अभिसरित होता है। ये जो अनुक्रम ए एन है वो ए को अभिसरित हो रहा है और एफ ए एन जो है वो एफ ए को अभिसरित हो रहा है तथा होता है तथा एफ ए एन एफ ए को अभिसरित होता है, अतः फलन क्या है भाई, हेनी के अकॉर्डिंग सतत है, हेनी के अनुसार, अतः फलन हेनी के अनुसार सतत है। हाँ तो दोस्तों, जब हमने कोसी को लेकर हेनी की परिभाषा के रूप में इसे प्रूव कर दिया है तो अब इसका हमें विलोमतः भी करना होगा। विलोमतः करने के लिए हम इसे पहले क्या लेंगे भी, हेनी के अनुसार सतत मानेंगे, फिर इसे कोसी के अकॉर्डिंग सतत प्रूफ कर देंगे, तो हमारी ये जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे इसे हेनी की परिभाषा से सतत मानने पर विलोमतः लिख देते हैं, विलोमतः विलोमतः यदि क्या, अब इसका विलोम लेना है, पहले कोसी की परिभाषा से लिया तो अब हम एनी की परिभाषा से लेते हैं, तो यदि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर हेनी के अनुसार, हेनी के अनुसार सतत हो तो, सतत हो तो, हेनी के अनुसार सतत होता है तो अनुक्रम क्या होता है भी, अनुक्रम ए एन जो है वो किसे अभिसरित होता है, अनुक्रम ए एन ए को अभिसरित होता है, ए को अभिसरित होता है, वह जो अनुक्रम एफ ए एन है, अनुक्रम एफ ए एन है वो किसको अभिसरित होता है भी, ए को अभिसरित होता है, एफ ए को, एफ ए को अभिसरित होता है। यदि ये इस प्रकार होता है तो हमें पता है, हम इसे लिमिट के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे भी, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर एफ ए, ये जो ए एन है वो ए को अभिसरित होता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं भी, ए एन अनुक्रम बराबर ए लिखा जाता है यहाँ पर, तथा एफ ए एन जो है उसे लिखेंगे तो लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ए एन, और ये अनुक्रम लगा दिया बराबर एफ ए एन, एफ ए को अभिसरित तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए को अभिसरित है, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात हम एक्स जो हमारे पास ये हमने लिमिट है इसको हम चेंज करेंगे प्रतिबंध के रूप में, तो एफ एक्स ए एन, ये जो ए एन है इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी, ए एन माइनस ए जो कि किससे छोटा होगा भी, डेल से, तथा एफ ए एन जो है यानी हमारा ये जो एफ ए एन है इसे लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भी, एफ ए एन माइनस, यहाँ पर एफ ए है तो यहाँ पर हम
FA लिख देते हैं लिमिट के, लिमिट को इस प्रकार प्रतिबंध में चेंज करेंगे तो ये जो छोटा है वो किससे भी एप्साइलन से छोटा है। हाँ तो दोस्तों आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अभी एक्स ए एन की जगह वापस क्या रखेंगे भी एक्स रखें, क्योंकि हम इसका विलोम तय कर रहे हैं। तो एक्स पहले हमने एक्स की जगह ए एन रखा था, अब ए एन की जगह एक्स रखने वाले हैं। तो ए एन बराबर एक्स रखने पर ए एन की जगह हम क्या रखेंगे भाई, अब एक्स रखेंगे। तो ए एन की जगह एक्स रख दीजिए तो ये जो इक्वेशन जो है हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी कि एक्स माइनस ए छोटा है डेल से तथा एफ एक्स जो है वो माइनस एफ ए ये छोटा है एप्साइलन से। ये हमें किसकी परिभाषा से देखी देखी सी लग रही है कि कोसी के अकॉर्डिंग ये फलन को सततता की परिभाषा से बताता है, ठीक है, कोसी के अकॉर्डिंग सततता को बताता है ये जो है प्रतिबंध, वो किसको बताता है भी, कोसी के अकॉर्डिंग सत्ता को बताता है। अतः ये विलोमता भी हमने सिद्ध कर दिया है, अर्थात फलन x बराबर a पर कोसी के अनुसार भी क्या है भी सतत है, कोसी के अनुसार सतत है, यही हमें प्रूफ करना था। Hence proof। तो देखिए दोस्तों हमने पहले कोसी की परिभाषा को लिया था और फिर इसे हैनी में x बराबर ए एन रखकर उसे हैनी में चेंज कर दिया, फिर हमने इसका विलोमता किया है x, हमने इसका विलोमता करने के लिए पहले क्या लिया भी हैनी की परिभाषा को लिया, फिर उसमें ए एन की जगह x रखकर हमने कोसी के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर हमने प्रूव कर दिया कि दोनों जो परिभाषा है अगर हैनी के अकॉर्डिंग सतत होता है तो वो कोसी के अकॉर्डिंग भी सतत होगी, और अगर कोई फलन जो है वो कोसी के अकॉर्डिंग सतत होता है तो वो हैनी के अकॉर्डिंग भी सतत होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।